24 और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित शहर मालदा जिले के बारे में। मालदा जिले का जो मेन मुख्यालय है वो मालदा टाउन में है और मालदा जिला पश्चिम बंगाल राज्य में अपने प्राकृतिक विविधताओं से भरा हुआ शहर है जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में कि साल 2001 से लेकर साल 2016 तक में जितने विधानसभा चुनाव हुए हैं उन सब में कौन सी पार्टी जीती थी और कौन सी पार्टी हारी थी, किस पार्टी ने किस पार्टी को हराया था। इन सब के अलावा साल 2021 के जो चुनाव होने वाले हैं 21 में विधानसभा चुनाव, उस पर भी हम नज़र डालेंगे। शुरुआत करते हैं इस जिले से, तो आपको बता दूं कि मालदा जिला पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित शहर है जो अपने प्राकृतिक विविधताओं से भरा हुआ शहर है। इस जिले को, मालदा जिले को इंग्लिश बाजार के नाम से भी जाना जाता है। इस जिले में बहुत सारे घने जंगल हैं और नदियां हैं जिसे देखने के लिए पर्यटक काफी दूर दूर से आते हैं। इन सब में अगर हम बात करें इन सब के अलावा, तो यहाँ पे आकर्षक स्थान जो है वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। उनमें से रामकेली, बारोद्वारी मस्जिद, दाखिल दरवाजा, फिरोजी मीनार, चमकती मस्जिद और लुको चोरी द्वारा, ये जितने भी जो स्थान है वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है और इन यहाँ के जो खूबसूरत दृश्य है वो देखने के लिए पर्यटक काफी दूर दूर से आते हैं। इस जिले का जो एरिया है वो 3733 किलोमीटर स्क्वायर में है। इस जिले में तहसील और ब्लॉक की संख्या 15 है, 12 विधानसभा है। नजर डालते हैं हम चुनाव पे, जो 2021 के में जो चुनाव होने वाले हैं उस पे, तो आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल राज्य जो है वो इस वक्त अपने विधानसभा चुनाव को लेकर काफी ज्यादा चर्चित राज्य बना हुआ है। वहीं यहाँ पे जिस तरीके से चुनाव को लेकर पार्टियों के बीच जो टक्कर हो रही है, मजबूती के साथ अपने जमीन हासिल करने की कोशिश जारी किए हुए हैं, इन पे सबकी निगाहें टिकी हुई है। आपको बता दूं कि साल 2021 का जो चुनाव होने वाला है इस जिले में, विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है मालदा जिले में, तो यहाँ पे मतदाता जो है अपने मताधिकार का इस्तेमाल दो चरणों में करने वाले हैं। एक 26 अप्रैल को वोट पड़ेगा, दूसरा 29 अप्रैल को वोट पड़ेगा। यहाँ पे मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके दो चरणों में और इस जिले में 12 विधायक चुनेंगे। नजर डालते हैं साल 2016 के चुनाव में, तो आपको बता दूं कि साल 2016 के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी, वहीं बीजेपी को दो सीटों पर जीत हासिल हुई थी और माकपा और निर्दलीय पार्टी को एक एक सीट पर जीत हुई। सबसे बड़ी जीत जो हासिल हुई थी वो कांग्रेस पार्टी को हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस पक्ष से खड़े नेता भूपेंद्र नाथ हल्दर को जीत दर्ज हुई थी। 12 में से 8 सीट उन्होंने जीता था। वहीं अगर हम बात करें जिस तरीके से साल 2016 में भूपेंद्र नाथ हल्दर जो है अपने निकटतम प्रतिद्वंदी दुलाल सरकार को हराया था और खुद जीत दर्ज करी थी, कांग्रेस पार्टी को जिस तरीके से 12 में से 8 सीटों पर जीत दर्ज हुई थी, उसे लेकर अभी साल 2021 में सवाल पैदा होता है कि कौन सी पार्टी इस बार जीतेगी, कांग्रेस या फिर तृणमूल कांग्रेस की पार्टी या फिर बीजेपी, क्योंकि ये सब जो पार्टियां काफी ज्यादा भी चर्चित बनी हुई है। अब हम साल 2011 के चुनाव पे नजर डालते हैं, तो आपको बता दूं कि साल 2011 के चुनाव में भी भूपेंद्र नाथ हल्दर इंडियन नेशनल कांग्रेस पक्ष के से खड़े हुए नेता थे, जिन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीएम के जो नेता थे, सीपीएम के पक्ष से खड़े हुए नेता थे राहुल राजन दास, इनको हराया था और खुद जीत दर्ज करी थी। अब साल 2001 और साल 2006 के चुनाव पे नजर डालते हैं, तो आपको बता दूं कि साल 2006 और साल 2001 के चुनाव में यहाँ पे खड़े हुए नेता जो थे तृणमूल कांग्रेस पार्टी के पक्ष से खड़े नेता थे फनी जुसुफ रॉय और सीपीएम के पक्ष से खड़े हुए नेता थे। यहाँ पे जिस तरीके से जो हार दिलाई थी यहाँ पे सुबोंधु चौधरी जो थे वो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी AIF तृणमूल कांग्रेस पक्ष के नेता को, और यहाँ पे CPM के पक्ष से खड़े नेता जो थे सुबोंधु चौधरी, उन्होंने हार दिलाई थी यहाँ पे कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस पक्ष के खड़े नेता को।
जिसमें से जो नाम आता है वो है यहाँ पे भूपेंद्र नाथ हल्दर की, जो खड़े हुए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस पक्ष के पक्ष से खड़े हुए नेता थे और तृणमूल कांग्रेस पक्ष से खड़े हुए नेता थे फनी जोसेफ रॉय, इनको हराया था सीपीएम पक्ष से खड़े हुए नेता सुबोधु चौधरी ने। अब जिस तरीके से साल 2021 में जो चुनाव होने वाले विधानसभा को विधानसभा के, इसे लेकर जो चर्चित राज्य बना हुआ है पश्चिम बंगाल राज्य, वही निगाहें जो है सबकी वो इस राज्य पे टिकी हुई है, विधानसभा चुनाव पे टिकी हुई है। तो इस पे आपका क्या है कहना, कौन सी पार्टी इस बार जीतेगी और कौन सी पार्टी किस पार्टी को पीछे छोड़ जाएगी, इस पे आपका क्या है कहना, ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।